हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम पी पी ऑनलाइन क्लासेस दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया और जिसपे कि हम जो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे जो तो कि हमने सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट किया था उसमें हमने एक जनरल या बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था गंगा रिवर का अब हम उसके मिडिल कोर्स के बारे में डील करेंगे वहाँ पर हमने उसके अपर कोर्स और उसके लोअर कोर्स के बारे में बात कर चुके थे मिडिल कोर्स उसमें कौन सी कौन सी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज थी और कौन सी कौन सी पेन्यूसलाइड ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम देख चुके हैं कि इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या हैं तो हम इस वीडियो में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली रिवर देखेंगे रामगंगा रामगंगा अगर हम इस मैप में देखते हैं तो ये हमारा उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है ठीक है और ये हमारा पूरा जो एरिया है ये हमारा उत्तर प्रदेश वाला एरिया है ठीक है तो रामगंगा रिवर जो है उसका पूरा चैनल कहाँ पर आ रहा है हमारा तो ये सिंपल आ रहा है हमारा कहाँ पे उत्तराखंड से स्टार्ट होती है ये रिवर ठीक है और उत्तराखंड से स्टार्ट होकर ये रिवर एंड होती है उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर से मिलकर ठीक है तो किस तरह से हम देखते हैं तो ये है हमारी रामगंगा रिवर ये सिंपल सी तो ये बिल्कुल जस्ट साउथ साइड जो है हमारा उत्तराखंड उधर से स्टार्ट होती है और ये जो हमारी गंगा रिवर आ रही है इस तरीके से तो इसमें जाके ये मिल जाती है ये रिवर स्टार्ट होती है गैरसन करके एक जगह है ठीक है उत्तराखंड में वहां से स्टार्ट होती है और ये जाके कन्नौज में मिल जाती है ठीक है सिंपली जो हमारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है गंगा रिवर की उनका हमें रफली थोड़ा सा चैनल याद रखना है और चैनल के साथ साथ हमें क्या याद रखना है कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी उनके बारे में अभी हम बात करेंगे तो वहाँ पर मैं उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा भी दूंगा रामगंगा रिवर जो थी हमारी तो इस तरीके से ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारी गंगा रिवर आ रही है और ये हमारी रामगंगा रिवर आके उससे मिल जाती है कहाँ पर आके कॉन्फ्लुएंस होती है तो ये कन्नौज में आके कॉन्फ्लुंस होता है ठीक है स्टार्ट कहाँ से होती है गैरसन उत्तराखंड से स्टार्ट होती है ठीक है तो ये जो रिवर है हमारी रामगंगा ये इम्पोर्टेंट किस लिए है तो ये हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है विच इज़ दी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ठीक है 1956 में बना हुआ था तो ये वहाँ से फ्लो होते हुए आती है रिवर ठीक है नैनीताल की रामनगर डिस्ट्रिक्ट से भी होते हुए आती है और फिर ये आके कहाँ पर कन्नौज में कॉन्फ्लुंस कर जाती है ठीक है फिर बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि हमें सिर्फ सीधे का सीधा नाम याद रखना है ठीक है वो क्या क्या है इधर पे बिजनौर बरेली मुरादाबाद एंड हरदोई ठीक है तो ये सारी चीज़ है हमें रामगंगा रिवर के बारे में बेसिकली इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने बात करी अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है वो आ जाती है हमारी गोमती ठीक है गोमती को हम अभी मैप में देखते हैं पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं गोमती एं गोमती एंटायरली उत्तर प्रदेश में ही है ठीक है एंटायरली ये पूरी उत्तर प्रदेश में है ये ये इस तरीके से जो हमारी गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में इसका चैनल और इस तरीके से ये हमारी गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से फ्लो करती है ठीक है गोमती ओरिजिनेट होती है गोमत ताल से बिलीवेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो नॉर्थ में मतलब कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये पहली डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें फ्लो करती है जो लखनऊ करके जो इम्पोर्टेंट सिटी है लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वो इस रिवर पर सिचुएटेड है ठीक है फिर ये रिवर वाराणसी जो है हमारा वाराणसी के पास में जो हमारा उत्तर प्रदेश का हम बोल सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है उधर पर वाराणसी आता है उसके पास में एक सेतपुर करके एक सिटी है वहां पर ये रिवर कर जाके ज्वाइन हो जाती है ठीक है गोमती रिवर को एक बार हम हमारे मैप में देख लेते हैं तो इस तरीके से कुछ है गोमती रिवर यहाँ पर देख सकते ये जो है गोमत ताल पीली जो कि हमारे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर से स्टार्ट होती है ये रिवर इस तरीके से फ्लो करती है और ये ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश में ये सेदपुर में जाके वाराणसी के पास जाके गंगा रिवर से कॉन्फ्लुएंस कर जाती है ये आती है हमारी गंगा रिवर ठीक है तो ये हमारा पूरा इसका चैनल है जो कि हमारी कौन सी गोमती रिवर है जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट याद रखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है किस इस पे जो सिटी है कौन सी लखनऊ क्योंकि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी कैपिटल से होते हुए जा रही है तो इस रिवर को हमें याद रखना है तो गोमती कहाँ से होके जा रही है लखनऊ से नेक्स्ट जो रिवर है हमारी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी वो आ जाती है घाघरा हमारी गंगा रिवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और ये हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की ये इस रिवर का नाम है घाघरा ठीक है इस रिवर की बात करते हैं तो ये रिवर स्टार्ट होती है कहां से गुरला मांड का पीक तिब्बत से मतलब ये कैसी है ट्रांस बाउंड्री ट्रिब्यूटरी है ठीक है ट्रांस बाउंड्री ट्रिब्यूटरी कैसे ये तिब्बत से आती है पहले नेपाल नेपाल से आती है इंडिया ठीक है तो ये तीन कंट्री से होते हुए आ रही है इसलिए ट्रांसबाउंड्री ट्रिब्यूटरी के नाम से जानी जाती है अब इस रिवर का हम पूरा चैनल देखते हैं एक बार इस तरीके से कुछ आ रही है ये रिवर इस रिवर की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है गुरला मांद का पीक जो कि तिब्बत में है तिब्बत में थोड़ी देर के लिए फ्लो करती है फिर ये नेपाल में फ्लो करती है नेपाल में इस रिवर को जाना जाता है करनाली रिवर के नाम से ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ये रिवर एंटर करती है इंडिया में और इंडिया में भी इसका कुछ ट्रिब्यूटरी सिस्टम है मतलब इसमें दो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर होती है उसको भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं फिर ये जाके एंड पे ये बिहार साइड बिहार में बिहार में जाके छपरा करके एक जगह है वहां जाके ये गंगा रिवर से मिल जाती है ठीक है इसके बारे में जो हमारे ये इसका पूरा सिस्टम है ये इस तरीके से ये हमारी ये पूरी रिवर है इस रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम हमें याद रखना है एक रिवर है राप्ती और एक रिवर है इसकी शारदा ठीक है दो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसके बारे में याद रखना है इस, इस मैप में थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी जो बातें लिखी हुई हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो ये जो हमारा ओरिजिनेटेड पॉइंट है ये तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है गुरलामंद का पीक से ये कुछ ओरिजिनेशन का एक ही एरिया है जो कि कैलाश रेंज मानसरोवर लेक ठीक है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भी ओरिजिनेट होती है तो ये पूरे एक ही एरिया से ओरिजिनेट होती है लेकिन पीक्स डिफरेंट है सारी तो घाघरा रिवर गुरलामंद का पीक से स्टार्ट होती है हमारी फिर वहां से उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो नेपाल में उसको जाना जाता है नाली रिवर के नाम से जाना जाता है नेपाल के बाद जैसे ही वो आती है कहां पर इंडिया में तो इंडिया में ये कहाँ से एंटर, तो एंटर करती है तो ये उत्तर प्रदेश के थ्रू एंटर करती है ठीक है उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में एंटर करती है और बिहार में एंटर करके छपरा करके बिहार में एक जगह है पटना के थोड़े पहले साइड पे पड़ती है तो वहां जाके ये ज्वाइन हो जाती है ठीक है दो इंपॉर्टेंट बातें इस रिवर के बारे में जो हमें याद रखनी है वो कौन सी है कि इस पे जो इम्पोर्टेंट सिटी सिटी है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस रिवर के बारे में याद रखनी है कि अयोध्या इस सिटी के बैंक्स पर सिचुएटेड है ठीक है और एक और सिटी कौन सी है फैजाबाद है ना फिर इसकी जो दो ट्रिब्यूटरी रिवर जो भी हमने बात करी वो है एक शारदा है और एक है राप्ती ठीक है शारदा रिवर का भी एक अलग ही अपना इम्पोर्टेंस है ठीक है फिर ये सारी बातें हमने कर ली घाघरा रिवर के बारे में जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसके गंगा रिवर की फिर नेक्स्ट रिवर आ जाती है गंडक गंडक रिवर की बात करते हैं तो गंडक रिवर जो है ये इसका चैनल कुछ इस तरीके से है कि ये रिवर ओरिजिनेट होती है नेपाल में और नेपाल से आके ये बिहार में आती है और इस तरीके से जो हमारी गंगा रिवर आ रही है उसमें जाके कॉन्फ्लुएंस कर जाती है ठीक है इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है बिहार में एंटर करती है ठीक है नेपाल से ओरिजिनेट होती है ये रिवर हमारी तो ये नेपाल में कहाँ से नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है ठीक है और नेपाल में किस रिवर के नाम से जानी जाती है तो ये नारा यानी रिवर के नाम से जानी जाती है नेपाल में ठीक है और फिर उसके बाद जो हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जो सिटी है चंपारण ठीक है बिहार चंपारण से ये एंटर करती है बिहार में और एंटर करके बिहार में फ्लो करती है और उसके बाद जाके सोनपुर करके जगह है पटना के पास में वहाँ जाके ये गंगा रिवर से कॉन्फ्लुएंस कर जाती है ठीक है फिर इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं जिसको हमें नाम से याद रखना है एक नाम है काली गंडक और एक नाम है त्रिशोली ठीक है ये था हमारा कौन सा ये था हमारा गंगा गंडक रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की नेक्स्ट रिवर जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है वो है कोसी रिवर ठीक है कोसी रिवर की बात करें तो ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है क्यों क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है मतलब मेजर इसका ओरिजिनेशन पॉइंट नेपाल में है लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है जिनकी कॉन्फ्लुएंस है इसका ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से आती हैं तिब्बत से आती हैं और देन ये बिहार में फ्लो करती है ठीक है फिर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे कुछ सात रिवर्स हैं सेवन रिवर्स जो हैं ऐसे कुछ सेवन रिवर्स मिलती हैं एक पॉइंट पे नेपाल में ठीक है नेपाल में वो पॉइंट है वो कौन सा है त्रिवेणी नेपाल तो इस पॉइंट पे मिलती है और उसके बाद एक रिवर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं कोसी सात रिवर के कॉन्फ्लुस के कारण इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है फिर उसके बाद ये रिवर एंटर करती है बिहार में और बिहार में एंटर करने के बाद कुरसेला करके एक जगह है बिहार में वहां जाके ये ज्वाइन कर जाती है ठीक है इस रिवर की बहुत ज्यादा वाटर कैपेसिटी के कारण इसको सौरव बिहार बोला जाता है क्योंकि ये बिहार में हर साल फ्लड लाने के लिए रेस्पॉन्बल होती है ठीक है इस रिवर के एक बार हम मैप में इसका पूरा चैनल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका चैनल है तो ये जो हमारा मैप है ये हमारी ये रिवर कोसी है ठीक है तो ये जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है ये पूरी तिब्बत से आ रही है ठीक है और फिर ये जो त्रिवेणी करके जगह है यहाँ पर ये सारी रिवर से मिलती है और यहाँ से इस रिवर का फॉर्मेशन होता है और जाके ये गंगा रिवर से मिल जाती है कहाँ पर बिहार में तो ये था हमारा पूरा सिस्टम रिवर कोसी का अब हम बात करते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि लास्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं लेफ्ट बैंक में जो कि इम्पोर्टेंट है वो है महानंदा ठीक है महानंदा भी हमारी क्या है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि बांग्लादेश में एंड करती है मतलब बांग्लादेश में जाकर गंगा रिवर से मिलती है स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल से कुछ समय के लिए बिहार में फ्लो करती है और फिर वेस्ट बंगाल में आके बांग्लादेश में चली जाती है मतलब कि वेस्ट बंगाल इंडिया में स्टार्ट होती है फिर जाती है थोड़ी देर के लिए बिहार में देन अगेन इन वेस्ट बंगाल देन इट गोज टू बांग्लादेश तो हम इसका ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है महलदीराम कुर्सी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मेहल्दी राम करके एक जगह है वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है टोटल इस रिवर की लेंथ है थ्री सिक्सटी किलोमीटर जिसमें से ये लगभग ये थ्री ट्वेंटी फोर किलोमीटर इंडिया में ही फ्लो करती है और फिर जो बचा कुचा किलोमीटर जो उसका लास्ट पार्ट है वो फ्लो करती है बांग्लादेश में बांग्लादेश में ये कहाँ जाकर कॉन्फ्लुएंस करती है रिवर गंगा से वो है गोदागिरी इन नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश ठीक है गोदागिरी करके जो जगह है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश वहाँ जा कर ये कॉन्फ्लुएंस करती है जो एक ओल्ड मलदहा टाउन है ठीक है ओल्ड मलदहा टाउन जो कि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है वो इस रिवर पर सिचुएटेड है ठीक है फिर इस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं एक ट्रिब्यूटरी का नाम है कलिंद्री एक का नाम है कनकई और एक का नाम है मीची ठीक है तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है वैसे एग्जाम परस्पेक्टिव से जो हमारी जो मेन रिवर है जैसे गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है तो जब तक कि वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ना हो तब तक उसकी ट्रिब्यूटरी याद करने का मतलब नहीं है ठीक है जैसे घाघरा की आपको ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए ठीक है यमुना की ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए सोन की ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी गंगा रिवर की और ये अपने में ही एक बहुत बड़ी रिवर भी है तो ये हमारी महानदी रिवर की बात हो जाती है इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं महानदी रिवर को ये कुछ हमारा महानदी रिवर का चैनल है इस तरीके से कुछ महानदी रिवर का चैनल है ये दिख रहा है हमें ये जो हमारा महल्दीराम कुरस्यम दार्जिलिंग से स्टार्ट होती है थोड़ी देर बिहार में फ्लो करती है और फिर जाली चली जाती है कहाँ बांग्लादेश में ठीक है बांग्लादेश में जाकर ये कहाँ गोदागिरी नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा रिवर से कॉन्फ्लुएंस कर जाती है ठीक है ये थी कुछ हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर्स ठीक है किसकी गंगा रिवर की अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में जिसमें कि इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है यमुना ट्रिब्यूटरी उसको हम पूरे अच्छी तरीके से कवर करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा अगर कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी करेक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं सब्सक्राइब करिएगा मोर वीडियोज़ के लिए थैंक यू